यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। सपा मुखिया ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में उन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया है। सीएम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा, यह सरकार आपस में लड़ रही है, इनके फैसले में जल्दबाजी की है। टीचर्स को लेकर जो फैसला हुआ इस पर बैकफुट पर आ गए हैं। यह फैसला स्थगित नहीं निरस्त हो। कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया है। सीएम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। इनके विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है। यहां लोग कमजोर पड़ गए हैं। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने गोरखपुर समेत पूर्वी जिलों में आई बाढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कल यह कह देंगे कि यूपी में बाढ़ ही नहीं आई। वहीं लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अवैध घरों पर बुलडोजर चलाने का अभियान स्थगित हुआ था। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा, आपका असर तो हुआ होगा, एक असर सरकार के कमजोर होने का भी हुआ है कि यही यह संघर्ष बाढ़ ना बढ़ जाए। सपा ने नेता के लगातार संपर्क में थे, आप तो हीरो निकले ही, लेकिन उन्हें आज तक का पैकेज नहीं पता होगा। पहले इन लोगों को घर जिस तरह उजाड़ा था, आज मजबूत होते तो यहाँ भी यही करते। सवाल यह है कि किसने फैसला लिया था इन घरों को हटाने का? क्या सीएम खुद थे? अब सीएम कहेंगे अधिकारी थे। इन्होंने देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया है। यहाँ लोग नाले पर रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं। उस नाले के पानी को साफ करने का कोई प्लान था? कुछ नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना था। इस दौरान गोरखपुर के बीजेपी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष विजय बहादुर यादव भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए कहा, मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। संविधान बचाने का जो आवागन किया था, इसके साथियों ने जमीन पर हमें मजबूत किया। मोहनलालगंज सपा ऐतिहासिक वोट से जीते, जो इनका सहयोग कर रहा है। बाराबंकी और आसपास के क्षेत्र में भी सहयोग रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर रिपोर्ट।